गाड़ी हमारी चालू हो गई, बिना चाबी लगे हुए गाड़ी चालू हो गई। चक्का देख सकते हो, ये चक्का जाम हो गया है, ये और घूम नहीं रहा है। अरे वाह, तो कोई चोर तो इसको चोरी करने का सोच ही नहीं सकता है। अगर देखा जाएगा गाड़ी तो वो एक चार्ज पे 120 किलोमीटर चलेगी। तो सोचो जब मैं मार्केट में लेके जाऊंगी तो सब लोग एक बार तो पीछे पलट के गाड़ी को ही देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बाइक हो तो मुझे डर रहता है कि भाई कमजोर हो सकता है पेट्रोल बाइक के मुकाबले, लेकिन भाई ये पूरा एकदम शेर की तरह गाड़ी है। वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट वो फर्स्ट वन कृति। ओके, देख सकते हो, बहुत पसंद आ रहा है, मतलब क्लासी लग रहा है एकदम। सो गाइस, अगर आप पेट्रोल के बढ़ते दाम से परेशान हैं और गाड़ी भी चलाना चाहते हो रोड पे और चाहते हो कि पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और लगभग जीरो मेंटेनेंस में अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो भाई सही वीडियो पे आए हो। आज हम आके पहुंचे हैं फ्यूचर मोटर्स उदित नगर रौरकेला में। यहाँ तरह तरह के वैरायटी के ई बाइक्स, ई स्कूटर बोल सकते हो इसको, मौजूद हैं और थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वेरियंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, इनका कॉस्टिंग सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए और बिना देरी के आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले पार्ट में हम आ गए हैं और ये देख सकते हो गाड़ी जो अभी मौजूद है, इसके बारे में अभी जानेंगे डिटेल में। और लेट मी वेलकम मिस्टर गौरव, को ओनर ऑफ फ्यूचर मोटर्स उदित नगर रौरकेला। तो मैं तो बहुत इच्छुक हूँ गौरव भाई गाड़ी के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए, और मैं चाहूंगा आप सारे एक्सप्लेन करके हमें बताएं। ये क्यूट सा दिखने वाला मॉडल जो है, इसका नाम है कृति, कृति जो कि एक लड़की का ही नाम है। अगर अभी हम आपको गाड़ी के तरफ ले के चले तो गाड़ी चालू करने के लिए भैया हमें पहले डिक्की खोलना पड़ेगा। okay. जो कि यहाँ पे तो भैया मेन स्विच दिया हुआ है जिसको हम लोग MCB बोलते हैं। okay. उसको हम लोग को ऑन करना है। ये अभी हम ऑन कर दिए, गाड़ी हो गई है चालू। अगर अभी हम सेकेंड पार्ट पे आए ना भैया, तो ये हो गया हमारा ऑन का स्विच, ये हो गया हमारा ऑफ का स्विच। okay. ये गाड़ी का फीचर्स का अगर अभी हम बात करें ना आपसे, तो ये बिना चाबी के भी काम करने वाली गाड़ी है। okay. इस पर एक रिमोट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट रिमोट। ये हमारी गाड़ी की फीचर्स है। गाड़ी हम यहीं से ऑन कर सकते हैं। गाड़ी हमारी चालू हो गई, बिना चाबी लगे हुए गाड़ी चालू हो गई। ओके भाई, गाड़ी बंद करना है, गाड़ी यहीं से बंद हो गया। okay. ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फीचर्स। इसके साथ अगर अभी हम आगे बढ़ना चाहेंगे ना, तो इस पर एक एंटी थिफ्ट लॉक लगा हुआ है। ये हमारा स्मार्ट रिमोट है। okay. ये रिमोट का ऐसा फीचर्स है भैया, गाड़ी हम यहाँ से लॉक कर दिया है, गाड़ी आवाज़ करके लॉक हो गया है। कोई भी गाड़ी अगर चलाने का कोशिश करेगा तो गाड़ी ऐसे आवाज़ करेगी। ओके, इवन आपने चक्के को घुमाया, और एक बार चक्का घुमाएंगे तो ये चक्का जाम हो जाएगा। आप चक्का देख सकते हो, ये चक्का जाम हो गया है, ये और घूम नहीं रहा है। तो कोई चोर तो इसको चोरी करने का सोच ही नहीं सकता है। गाड़ी अनलॉक अपना ही चाबी से होगा। ओके, तो ही ये अलार्म बंद होगा, नहीं तो ये अलार्म बंद भी नहीं होगा। यहाँ पे ये पुश स्टार्ट एंड स्टॉप है। ओके. ये जो है ब्लू लाइट जल रही है। ओके. इसको अगर करेंगे तो गाड़ी चालू हो गई। ओके. अगर हम इसी को दबाएंगे तो गाड़ी हमारा बंद हो गया। हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा इस पे ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, आगे पे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं गाड़ी पे आगे पे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, और पीछे पे हमारा ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। गाड़ी पे हमारा दिया हुआ है स्मार्ट डिजिटल मीटर जिस पे चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा ऑडोमीटर दिया हुआ है, हमारा स्पीडोमीटर दिया हुआ है। okay. ये हमारा इस पे आया, डिस्क ब्रेक का हमारा ऑल दिया हुआ है। उसके बाद इस गाड़ी पे देखिए भैया, गाड़ी तो भैया सबके आगे चलती है। आप टू व्हीलर वेरिएंट पाएंगे तो देखिए हमारा गाड़ी पे रिवर्स का भी ऑप्शन है। ओके, ये है हमारा रिवर्स की। Okay, fine. ये हाँ, हमको इसको प्रेस करके एक्सेलरेटर देना है, गाड़ी उल्टा जाएगा। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमारा बेल्डिंग इंडिया चुनने का कारण क्या था। इस पे दिया हुआ है स्मार्ट ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की। गाड़ी पे कहीं पे भी फॉल्ट आता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो इस की के माध्यम से ना आप 20 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो। तो गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 45 km/h। गाड़ी जो है एक चार्ज पे 60 किलोमीटर चलती है। चार्ज होने के लिए इसको 3 घंटा लगता है। इस पे लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। इस गाड़ी पे ना ही DL का ज़रूरत है, ना ही लाइसेंस का ज़रूरत है, ना ही रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत है, ना ही गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत है। इसको ओवरऑल देखा जाएगा तो छोटे बच्चे भी चला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल के हिसाब से देखा जाएगा तो इस गाड़ी पे हेलमेट भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं अपना सेफ्टी के लिए आप हेलमेट पहनिए। इस गाड़ी पे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इस पे USB पोर्ट लग के रहा है,
आपने सिर्फ आपको अपना डाटा केबल लगाना है, अपना मोबाइल चार्ज लगाना है। मोबाइल रखने के लिए होल्डर दिया हुआ है। अभी बात आता है गाड़ी चार्जिंग करने के लिए, तो हमारा गाड़ी चार्ज करने के लिए दो ऑप्शन है। एक गाड़ी पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लगा हुआ है प्लग, हम आपको चार्जर देंगे जो प्लग यहाँ पे लगेगा और डोमेस्टिक आपके घर का 5 एम्पीयर सॉकेट पे ही लगेगा। उसके लिए आपको कोई अलग से तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। तो गौरव भाई, आपने चार्जिंग का तो बता दिया, लेकिन भाई हमारे पार्किंग स्लॉट में चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। क्या मैं गाड़ी को उठा के अपने बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में लेके जाऊँगा क्या? कोई टेंशन नहीं है भैया, उसके लिए भी इस पर एक डिटैचेबल बैटरी लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, यहाँ से आप डिक्की खोलें, डिक्की खोलने के बाद आप भैया इसको उठाएंगे। बैटरी निकालने के समय में हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, हमें इसका मेन स्विच बंद करना है। हम यहाँ से मेन स्विच बंद किए, ये गाड़ी का स्पेस है डिक्की का। उसके बाद आपने ये निकालना है, ये अलग करना है। यहाँ पे एक सॉकेट दिया हुआ है, ये सॉकेट को आपने घींचा, ये बैटरी को आपने निकाला, इसको ले जाके घर पे चार्ज लगा दिया, काम खत्म। ओके, तो भाई ये रही वो बैटरी, आप लेके ऊपर अपने बिल्डिंग में जाके अपने घर में। वेट वगैरह कोई ज़्यादा नहीं है बैटरी का, इस बैटरी का वेट है 8 kg, कोई भी आराम से भी उठा लेगा, आप कोई बच्चा भी उठा के लेके सकता है ऊपर है। ओके, अगर आए हैं डिक्की खुला है तो डिक्की का स्पेस भी थोड़ा देख लेते हैं। आई थिंक दिख रहा है कि एक स्मॉल साइज का जो हेलमेट है आराम से रुक जाएगा, राइट? जी भैया, हमारा डिक्की का जो स्पेस है वो 16.5 लीटर का है। भैया सबसे पहले तो अगर हम इस गाड़ी के नाम पे जाएंगे तो इस गाड़ी के नाम है फैलकॉन। अगर हम आपको गाड़ी के फीचर्स के बारे पे लेके जाएंगे तो जो हमारा चालू करने का सिस्टम था डिक्की खोल के, वही हमारा इस पर भी है। अगर मैं इस पर जाऊँगा तो लाइट पे, तो इस पर एक है DRL, जिसका फुल फॉर्म होता है डे टाइम रनिंग लाइट। अगर आपको देखना चाहते हैं कि वो क्या है तो आप एक बार गाड़ी के आगे पे आ जाइए। देखिए एक लाइट यहाँ पे वी शेप पे चल रही है, यही लाइट हमारे पीछे पे भी है। अगर आप इसका हेडलाइट देखोगे तो वो भी इस पर बहुत पावरफुल LED लगी हुई है। इस पर हमारे दोनों ऑप्शन है, अपर एंड डिपर का, हमारे पुराने वाले पे भी था, इस पर भी है वो चीज़। तो ये गाड़ी जो है वो एक चार्ज पे 75 किलोमीटर चलेगी। गाड़ी की टॉप स्पीड वही 45 किलोमीटर है। हम गाड़ी के चार्जिंग टाइम पर बात करेंगे तो गाड़ी 3 से 3.5 घंटे पर चार्ज हो जाएगी फुल। इस पर 60 वोल्ट 24 AH का लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसका बूट स्पेस का, तो इस पर बूट स्पेस 19 लीटर का दिया हुआ है, जिसपे एक हमारा हेलमेट काफ़ी आराम से आती है। साथ में एक हेलमेट जो कि मैं आपको मेरे तरफ से एक फ्री दे रहा हूँ, वो हेलमेट आपको इस पर आराम से आएगा। आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हेलमेट के लिए। यहाँ पे गाड़ी बंद होगी, यहाँ पे हल्का प्रेस करना है, हो गया गाड़ी बंद। इसका प्राइस आप कितने में देने वाले हो? ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको घर ले जाने के लिए मिल जाएगी 75,000 पे। तो भाई गौरव भाई, आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो मुझे पेट्रोल स्कूटर जैसे लग रहा है। मैं आपको इसको इलेक्ट्रिक पे चला के दिखा देता हूँ, मैं आपको इसका बैटरी दिखा देता हूँ, मैं आपको इसका सारे चीज़ें दिखा देता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सबसे पहले ये हमारा मल्टी कलर डिजिटल मीटर। अरे सही है, तो वो जो कलर है अगर ग्रीन में है मतलब बैटरी बहुत सफिशिएंट है। सबसे पहला देखा जाएगा तो गाड़ी ऑन करने से गाड़ी ऑन नहीं होगा। इस पर गाड़ी हमने ऑन किया, अभी आप बाकी सारे गाड़ी पे देख रहे थे, गाड़ी ऑन किया, एक्सेलेटर दिए तो गाड़ी चलेगा, बट इस पर वो चीज़ नहीं है। इस पर गाड़ी ऑन किए, जैसे अपने अपने गाड़ी पर सेल्फ डालते हैं, यहाँ पर है पार्किंग की। आप ये पार्किंग की दबाओगे, यहाँ से ये पी हटेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पी, पार्किंग की दबाने से ये पी हट जाएगी। ओके, अच्छा तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमें दो चीज़ करना पड़ेगा। पहले तो हमें चाबी से गाड़ी चालू करना पड़ेगा, राइट? या तो चाबी से, या तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, या तो चाबी का रिमोट से। ओके, उसके बाद हमें ये पी देके हटाना पड़ेगा गाड़ी को। ओके, तब हमारा गाड़ी चलने लगेगा, तब जाके गाड़ी स्टार्ट हो पाएगा। देखा जाएगा तो इस पर आपको इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस सब कुछ ज़रूरत है, हेलमेट कंपलसरी है, क्योंकि ये है हमारा 2500 वाट का मोटर इस पर लगा हुआ है। अगर देखा जाएगा तो इसको हम लोग हाई स्पीड गाड़ी बोलते हैं। इस गाड़ी का टॉप स्पीड है 75 km/h, जो कि बहुत सफिशिएंट है। इसके ऊपर तो ना ही आपको जाना चाहिए, ना ही आपको सोचना चाहिए।
अगर देखा जाएगा गाड़ी तो वो एक चार्ज पे 120 किलोमीटर चलेगी। ये गाड़ी देख के मुझे अभी डर लग रहा है, अब प्राइस जो बोलोगे शायद वो मेरे कांप जाएगा शरीर सुन के, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई कम प्राइस में मिलने वाला है। ये जो एक सेक्सी पीस, ये जो हमारा एक स्कूटर का लुक, ये जो हमारा गाड़ी कंपनी का, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी 95,000 ऑन रोड, जिसपे आपको गार्ड, हेलमेट, मिरर, फुटरेस्ट, बैकरेस्ट सब कुछ मिलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा गाड़ी मेड इन इंडिया जो ठहरा, बाहर का कोई रिसोर्स यूज़ ही नहीं हुआ तो टैक्स का कोई लफड़ा रहेगा ही नहीं। और गाइस हमें मेड इन इंडिया के गाड़ियों को खास करके बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको सेम प्राइस में दूसरा पेट्रोल वगैरह बाइक मिले तो भी मैं प्रीफर करूँगा कि यही आप चुनो, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे इंडिया का। स्विच टू बेनलिंग, स्विच टू इलेक्ट्रिक। वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट वो फर्स्ट वन कृति। ओके, देख सकते हो वो बहुत पसंद आ रहा है, मतलब क्लासी लग रहा है एकदम क्लासी। और तूने देखा होगा स्टार्टिंग से मेरी नज़र वहीं पे पड़ी है और वहीं पे अटकी है। विद इन द सिटी क्यों हम लोग पेट्रोल खर्चा करें, आराम से उसको लेके जा से विद इन द सिटी हम लोग आराम से घूम सकते हैं। एग्जैक्टली और मेरा पर्सनल फेवरेट तो ऑरा ही रहेगा, क्योंकि भाई इसका तो माइलेज एकदम 120 समथिंग है और मुझे वही चाहिए, बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं। एक बार चार्ज करो फिर एक हफ्ता के ऊपर भी आराम से जाएगा सिटी के अंदर। एक डर हमेशा रहता है कि इलेक्ट्रिक बाइक हो तो मुझे डर रहता है कि भाई कमज़ोर हो सकता है पेट्रोल बाइक के मुकाबले, शायद हल्का फुल्का होगा, कहीं ठोका तो बाइक ख़त्म। लेकिन भाई ये पूरा एकदम शेर की तरह गाड़ी है और कोई भी बड़े बड़े पेट्रोल के स्कूटर को टक्कर देगी, आराम से देगी बिंदास। तो मुझे वही डर था, गाड़ी की मजबूती भाई जापानीज टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया दोनों का संगम हुआ है, और क्या चाहिए। और अगर हम लोग मार्केट में ये गाड़ी और वो वाला कोई भी यहाँ से गाड़ी लेके जाओ ना, सबकी नज़र तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही है। तो सोचो जब मैं मार्केट में लेके जाऊँगी तो सब लोग एक बार तो पीछे पलट के गाड़ी को ही देखने वाले हैं। और गाइस सीरियसली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड जो इनका जो प्राइसिंग है ना फ्यूचर मोटर्स उदित नगर राउरकेला में मिल रहा है ना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखते ही सोचता हूँ ये सारे लाखों के ऊपर ही रहते होंगे, लेकिन ये जो आपका जो गलत फहमी है फ्यूचर मोटर्स में आने के बाद दूर हो जाएंगी। तो गाइस देख सकते हो टेस्ट ड्राइव तो हमने किया, और तुझे कैसा लगा पहले बता दे। मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली, नॉइजलेस, देन एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और मुझे बहुत मजा आ गया। तो गाइस सीरियसली बहुत सेटिस्फाइड हम लोग इसका टेस्ट ड्राइव लेके। इस गाड़ी पे भैया अपने फ्री सर्विसेज 3 आती है जो कि आपको 1 साल पे करवानी है। अगर मैं इस पे गारंटी और वारंटी का बात करने चाहूँ ना, तो इस गाड़ी पे जो हमारी बैटरी है उसकी गारंटी आती है 3 साल। अगर हम मोटर पे जाते हैं तो उसकी गारंटी आती है 2.5 ईयर्स। अगर हम इस पे कंट्रोलर बोल के यूनिट लगा हुआ रहता है जो कि पूरा गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसका गारंटी आती है 2 साल की। और जो इसका बैटरी चार्ज करने के लिए जो चार्जर यूज़ होती है उस पर आता है 1 साल का। ये तो गारंटी वारंटी है कंपनी की तरफ से। फ्यूचर मोटर्स आयो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। ओवरऑल गाड़ी के ऊपर में हमारी तरफ से आपको 6 महीने की 6 महीने की गारंटी है। अभी हमारे पास फाइनेंस के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी गाड़ी भैया 15,000 से 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले जा सकते हो घर पे। हमारे पास फाइनेंस कंपनी, 4 फाइनेंस कंपनी हमारे पास बैठी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। गाड़ी पे इंश्योरेंस भी है। अगर कोई आपका वीडियो देख के आता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ ऑफ रहेगा। परफेक्ट।
लेकिन उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। वो आदमी को आपका वीडियो पहले से ही सब्सक्राइब किया होना चाहिए आपके चैनल यूट्यूब पे, साथ में फेसबुक पे आपका जो पेज है उस पर फॉलो पहले से होना चाहिए। तो गाइस जो भी वीडियो देख रहा है अभी से फॉलो करके रख दो, अगर आना है फ्यूचर मोटर्स उदित नगर रौरकेला में, ठीक है। मैं एड्रेस इनका कॉन्टैक्ट डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है, यहाँ तो आना ही है लेकिन कुछ इंक्वायरी करना है फ़ोन पे, तो आप डायरेक्ट गौरव भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्यूचर मोटर्स उदित नगर रौरकेला, कभी भी आओ, देखो, टेस्ट ड्राइव लो, इंतजार रहेगा। और गौरव भाई अपडेट दीजिएगा अगर मेरे वीडियो देख कर कोई आपके पास आ रहा है तो, मैं उनसे खास मिलना चाहूंगा। अगर जिस दिन वो गाड़ी लेंगे ना यहाँ से, मुझे बुलाइएगा, मैं भी उनके साथ फोटो खिंचाऊंगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिए, ऐसे ही कुछ अलग तरह का वीडियो लेके हम आपके पास वापस आएंगे। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखे। कुछ बोलेगी? खाना खाना है, यही उम्मीद थी इससे। चलो गाइस, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।